all about humanity. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज के इस वीडियो में जो कि हम रिएक्शन करने वाले हैं, बहुत ही हार्ड रिएक्शन करने वाले हैं। शायद ही आपने कहीं ऐसी रिएक्शन देखी होगी, क्योंकि आज ये जो पटाखा होता है आप लोगों ने दीपावली पर जलाया होगा, और सब लोग माचिस से जलाते हैं, और हम आज इसको एसिड से जलाएंगे, मतलब बिना माचिस के जलाएंगे, और देखते हैं जलता है या नहीं जलता। तो चलिए पहले एक पटाखे का हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो पहले हम एक पटाखे को थोड़ी चेक करके देखते हैं इसमें कैसा धमाका होता है, और इसमें डाल के देखते हैं। तो गाइस, इस पे डलने वाला सल्फ्यूरिक एसिड। ओह शिट, जैसा कि आपने देखा है एक पटाखे से जो कि देखिए कितने तेज जो कि धमाका हुआ है। अभी इतने सारे पटाखों को हम इसमें पूरी बारूद हम इसमें डालेंगे, फिर देखते हैं इतने तेज धमाके से होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो पटाखे हैं उनकी एक एक करके बारूद हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने इसका जो कि जो बारूद है इसका हमने पूरा निकाल लिया, और इसको पूरा इसको कलेक्ट करके यहाँ पे हमने रख लिया है। फ्रेंड्स, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालने वाला हूँ, और तब तक आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है यार। और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालने वाला है। ओह शिट यार, ओह ओह ओह, ओह शिट यार। तो गाइस देखिए कटोरे का क्या हाल हो चुका है, और इतना तेज़ धमाका हुआ है जो कि आप देख सकते हैं कटोरे में बारूद कुछ नहीं बची है, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही बचा है। और इतने सारे बजू के पटाखे हमने एक इसमें पटाखा भी डाला था, पटाखा भी गल चुका है। और दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ऐसे प्रयोग अपने घर पर ना करें, क्योंकि बहुत ही डेंजर होता है। आप लोगों ने देखा भी है कितना डेंजर है ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोगों के लिए यार इतनी मेहनत की है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। नहीं नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ये कर लो पहले, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। तब तक के लिए ग्रेट इंडिया, सॉलिड इंडिया।